हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है, इसका पार्ट 2 है, बस की यात्रा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहेब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि बस के टायर घिस कर बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बस के टायर घिसकर बिल्कुल ख़राब हो गए थे, परिणाम स्वरूप पुलिया के ऊपर बस का टायर पंक्चर हो गया था, जिससे बस जोर जोर से हिलकर रुक गई। ठीक है, अगर बस तेज़ गति से चल रही होती तो अवश्य उछल कर ये छ है, ठीक है, छत्री है, उछल कर नाले में गिर जाती। ये छत्री है, आ का डंडा नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ इस तरह से, उछल कर नाले में गिर जाती, इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा रहता, पर वह जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा था, उत्सर्ग की जैसी भावना उसके अंदर थी। वैसे अत्यंत दुर्लभ भी उसके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उसका उत्तर है, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे यह जानते थे ठीक है, क्योंकि वह यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, रास्ते में बस कभी रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है, बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल है, मतलब वो बस कभी भी ख़राब हो सकती थी इसलिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर से आवाज़ करती हुई हिलने लगी, ऐसे में लेखक और उनके मित्रों को लगा जैसे सारी बस इंजन है और वे सब इंजन के अंदर बैठे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो उत्तर है बच्चों, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी, उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफर तय कर सकेगी। इसी कारण उसके कंपनी के हिस्सेदार ने पूछा कि यह बस चलती भी है, तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है, लेखक की हैरानी का यही कारण था। प्रश्न क्रमांक 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर है, बस की दशा ऐसी थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे या कोई बस का पुर्जा खराब हो सकता था, इस भयभीत स्थिति में जो पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं उससे बस टकरा ना जाए, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न क्रमांक 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी, गरीब जन केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भरते थे, ऐसे में अंग्रेजी शासन नमक पर भी टैक्स लगा दिया नमक पर भी, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम में 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके
समुद्र किनारे बसे डांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया। इसे डांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग वेयंकर ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा का उपयोग वेयंकर ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार के चलने जाने के संदर्भ में किया है। लेखक जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहा था, उस बस में चलने पर उसे उसका एक भी भाग सही नहीं लग रहा था। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वह इस प्रकार चलने लगी जैसे उसके सभी भाग मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक हो गए हों, अर्थात उसके सारे हिस्सों के पुर्जों में भेदभाव समाप्त हो गया हो। जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सभी भारतीयों ने अपनी धार्मिक भेदभाव और आपसी मतभेदों को भूलकर, मतलब आपसी जो धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं उन सबको भूलकर, अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी जैसे कुशल ड्राइवर का साथ दिया, उसी प्रकार बस के सभी पुर्जों ने एक होकर चलना शुरू कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 8 है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो ये आप मन से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो मैं बता देती हूँ। पिछले वर्ष मैं अपने विद्यालय की ओर से आगरा घूमने गया था। बस में 40 बच्चे और 4 शिक्षक थे। बड़ी खुशी खुशी हमारी बस शाम 5 बजे आगरा के लिए रवाना हुई। जैसे ही बस चली वैसे ही हमने खेल खेलना नाच गाना शुरू कर दिया। शिक्षक भी बड़े आनंद भाव से हमारा साथ दे रहे थे। बस तेज गति से दौड़ रही थी। उसने लगभग 6.25 घंटे का डोसा पार कर लिया। सूर्य छिप गया। हम सबने अपने अपने खाने के डिब्बे खोले और मज़े से अपने मनपसंद का भोजन का आनंद आनंद गलत लिखा है, मैं इधर लिख देती हूँ आनंद, ठीक है, आनंद लेने लगे। भोजन करने के बाद हमने फिर मौज मस्ती करनी प्रारंभ कर दी। मौज मस्ती करते करते हम सबकी पलके भारी हो गई और महुआ निकल गया, इसका पता ही नहीं चला। भरतपुर के पास अचानक हमारी बस की आगे का पहिया का टायर पंचर हो गया। बस वहीं की वहीं रुक गई। वह स्थान एक सुनसान सा है बच्चों ये, ठीक है, सुनसान जंगल में था। अचानक दो लुटेरे बस में चढ़ आ गए। उन्होंने हम सबकी नकदी लूटी और भाग गए। इससे हम सब डर गए। ड्राइवर टायर बदलता ही रह गया। टायर बदलते ही हम सब सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी एक शिक्षक ने प्रधानाचार्य जी को फोन कर घटित घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बच्चों का उत्साह बनाए रखो और सीधा गोल्डन होटल में जाकर ठहरो। सुबह तक हम स्वयं वहां आ रहे हैं। सुबह होते ही उन्होंने वहां पहुंचकर सबके चेहरे की मुस्कुराहट दे दी। हम सब नाश्ता करके ताजमहल देखने खुशी खुशी से गए। ताजमहल देखने के बाद हम अब सबके आगरा के बाजारों का भी भ्रमण बस द्वारा निकल करके मतलब बस के द्वारा उन्होंने जो आगरा के बाजार थे वहां पर वे घूमे और दोपहर का भोजन कर बस द्वारा घर के लिए रवाना हो गए। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होते बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ झंडाई बोझ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बाहरी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती है, लिखिए, अगर वह जीवित प्राणी होती तो। उत्तर है बच्चों, यदि बस जीवित प्राणी होती तो स्वयं ही अपनी दर्द भरी व्यथा कहती कि आज मैं जर्जर हो चुकी हूँ। अब मेरे शरीर का ढांचा हिलने लगा है। जगह जगह मैं टूट चुका है। खिड़कियों में गिने चुने कांच रह गए हैं। मेरे अंग सब नहीं साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे अंग अब ये तो लिखना है बच्चों अब, ठीक, मेरे अंग अब साथ नहीं दे रहे हैं। मेरी आंखें हेडलाइट की रोशनी भी धीमी, ये मत इसकी जगह आप लिख सकते हो इधर धीमी, ठीक है, धीमी पड़ गई है। मेरे पैर यानी कि टायर कहीं भी पंचर होकर ठहर जाती है। मेरी ऐसी दयनीय स्थिति में भी मेरा मालिक बिना मेरे जर्जर शरीर का ख्याल किए इतनी सवारियां भर लेता है कि एक और जहां मुझसे चला नहीं जाता वहीं मेरा अंग अंग दुखने लगता है।
लेकिन बेरहम मालिक मुझ पर दया नहीं आती है। तो इस तरह से बच्चों आप इसे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।